हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और जैसे कि देख रहे हैं ये हमारे लैंटेन अब बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग्स कर रहे हैं। ये प्लांट को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूं। ये प्लांट फ्रेंड्स मेरा पुराना प्लांट है, ऑलमोस्ट 2 से 3 साल पुराना प्लांट है और ये प्लांट हमेशा से फ्रेंड्स मुझे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स देता है। विंटर्स में थोड़े से डल हो जाते हैं क्योंकि विंटर्स में जो ठंडी हवाएं वगैरह चलती है ये प्लांट के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से इसके लीव्स के कंडीशन अच्छे नहीं होते और प्लांट फ्लावरिंग्स भी ठीक से नहीं कर पाता। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने ये प्लांट को थोड़ा सा बॉन्साई लुक दिया है और ये जो प्लांट की लुक आ रही है बहुत ही सुंदर आ रही है और बहुत सारे ढेर सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि जो समर सीज़न में एक ईजी गोइंग और बहुत ही सुंदर लुक देने वाला प्लांट अगर आप लाना चाहते हो तो बाद में ये जो लैंटेना को आप ज़रूर कंसिडर कीजिए। ऑलमोस्ट अगर आप 6 से 7 प्लांट एक साथ में रखोगे और जब ये प्लांट साथ में फ्लावरिंग्स करेगा तो जब ये प्लांट्स का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में फ्रेंड्स ये प्लांट को आप शेप भी दे जाइए, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट को शेप दिया है, थोड़ा सा बॉन्साई लुक दिया है। नीचे वाली जो भी ब्रांचेस थी फ्रेंड्स मैंने हटा दी है, सिर्फ ऊपर वाली ब्रांचेस के ऊपर से मैंने इसके ऊपर फ्लावरिंग्स लिए हैं। तो अगर आप लाना चाहते हो तो फ्रेंड्स ये येलो कलर का लैंटेना लाइए। अगर आप कुछ ये कलर के लैंटेना लाओगे तो फ्रेंड्स ये कलर के लैंटेना इतने ज़्यादा फ्लावरिंग्स नहीं देंगे। ये प्लांट को भी फ्रेंड्स मैंने बॉन्साई लुक दिया है जैसे कि देख रहे हैं। तो ये समर सीज़न में आपको ये लैंटेना बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देंगे। तो ये तो लैंटेना की बात फ्रेंड्स मैंने आपसे शेयर कर ली क्योंकि अभी ये जो प्लांट है बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। लेकिन आज का वीडियो फ्रेंड्स ये टॉपिक पे है कि हम ये फरवरी और मार्च महीने में ऐसे कौन कौन से काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा समर गार्डन बहुत ही अच्छा रेडी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, आप समर प्लांट्स जो भी परचेज़ करने वाले हो तो फ्रेंड्स अभी ये सीज़न में आप आराम से कर सकते हो। रिपॉटिंग कर सकते हो, ब्रांच प्रूनिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं विंटर प्लांट्स की बात कर लेता हूं। जैसे कि फ्रेंड्स आपके जो विंटर प्लांट्स हैं ये विंटर प्लांट्स बहुत ही अच्छे ग्रो होंगे, अभी भी अप टू मार्च महीने तक ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो होते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे फ्रेंड्स गर्मियां बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रेंड्स ये प्लांट हमारे धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें ये प्लांट को बचाने की कोशिश करनी है। वैसे तो फ्रेंड्स ये प्लांट बहुत ही तेज़ गर्मियों में ख़त्म हो जाते हैं लेकिन फिर भी हमें बचाने की पूरी कोशिश करनी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें ये प्लांट को धीरे धीरे करके शेड में शिफ्ट कर लेना है। लेकिन डिपेंड करता है आपके यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। जैसे ही आपको लगे कि आपके यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है, टेम्परेचर 30 के अबव जा रहा है, तो बाद में धीरे धीरे करके ये जितने भी हमारे विंटर प्लांट्स हैं ये सारे विंटर प्लांट्स को फ्रेंड्स हमें शेड के अंदर शिफ्ट कर लेना है और बाद में फ्रेंड्स हमें ये प्लांट के ऊपर से फ्लावरिंग्स नहीं लेनी है। जितने ज़्यादा फ्रेंड्स आप ये प्लांट के ऊपर से फ्लावरिंग्स लोगे तो बाद में प्लांट अपनी लाइफ बहुत ही जल्दी ख़त्म कर लेगा। इसीलिए फ्रेंड्स हमें इसके ऊपर से फ्लावरिंग्स नहीं लेनी है और कोई भी शेडी एरिया में ये प्लांट को रख दीजिए जहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी ह्यूमिडिटी रहे और डायरेक्ट सनलाइट ये प्लांट को ना मिले। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारे जो साल्विया के प्लांट है इसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने रेगुलरली पिंचिंग की थी और पिंचिंग करने के बाद बहुत सारे फ्लावर्स इसके ऊपर निकल रहे हैं। तो ये जितने भी विंटर प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, विंटर प्लांट्स को रेगुलरली पिंचिंग करना होता है। अगर आप रेगुलरली पिंचिंग करते रहोगे तो बाद में ये सारे विंटर प्लांट्स आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स देंगे। और अभी फ्रेंड्स अप टू मार्च महीने तक तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपके यहाँ ये सारे विंटर प्लांट्स अच्छे चलेंगे, लेकिन जैसे ही गर्मी आपके यहाँ बढ़ेगी तो बाद में ये सारे विंटर प्लांट्स धीरे धीरे करके फ्लावरिंग्स बंद कर देंगे। तब फ्रेंड्स हमें ये प्लांट को शेड में शिफ्ट कर लेना है। दूसरे फ्रेंड्स, जो भी समर सीज़न के हमारे प्लांट्स हैं उसको हमें रेडी करना है फ्लावरिंग्स पे लाने के लिए, न्यू लीव्स उसके ऊपर प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसे कि सपोज़ आपके यहाँ कुछ ये हिसाब से ही आपके यहाँ कोई भी समर प्लांट हो जो ऑलरेडी लीव्स प्रोड्यूस कर चुका हो तो बाद में फ्रेंड्स आप उसके ऊपर थोड़ी हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर लीजिए। हल्की हल्की सी प्रूनिंग करने की वजह से फ्रेंड्स जो भी नीचे वाली जो ब्रांचेज होगी उसके ऊपर सारे न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और बाद में धीरे से आपका प्लांट फ्लावरिंग्स भी देना स्टार्ट कर लेगा। साथ में फ्रेंड्स हमें इसको फर्टिलाइज़ भी करना है, तो हमें कोई भी केमिकल वगैरह फर्टिलाइज़र इसके अंदर अप्लाई नहीं करना है, हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई करने हैं। ऑर्गेनिक में कोई भी फर्टिलाइज़र आ जाएंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र या तो ग्रैन्यूल फर्टिलाइज़र। तो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में काउडंग लिक्विड यूज़ करता हूँ रेगुलरली वीकली वीकली बेसिस में। तो हमें वीकली वीकली बेसिस में डाइल्यूट करके इसकी सॉइल के अंदर काउडंग लिक्विड डाल देना है। इससे फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर सारे नए शूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और वाटरिंग का खास ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ये जो सीज़न चल रही है अभी भी पानी जल्दी सूखेगा नहीं, इसलिए डेली वाटरिंग नहीं करनी है। पहले सॉइल को थोड़ा हल्का सा ड्राई करने दीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने प्लांट के अंदर वाटरिंग कर सकते हो। और हमारे जो हाइबिस्कस है उसको भी रेडी करना है। हाइबिस्कस के ऊपर भी फ्रेंड्स बहुत सारे फ्लावरिंग्स वगैरह अभी ये समर सीज़न में स्टार्ट हो जाएंगे और अभी भी फ्रेंड्स बहुत सारे हमारे हाइबिस्कस तो फ्लावरिंग्स दे ही रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी ये सीज़न में आप अपने प्लांट के ऊपर, अपने हाइबिस्कस के ऊपर ब्रांच प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग कर सकते हो।
तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा एक हाइबिस्कस का प्लांट है। इसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने सारी ब्रांच प्रूनिंग कर ली है। ब्रांच प्रूनिंग करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसकी रूट प्रूनिंग करने वाला हूँ, यानी कि ये ग्रो बैग के अंदर से मैं बाहर निकाल दूंगा और इसके सारे जितने भी रूट्स होंगे वो मैं प्रून कर लूँगा और बाद में फिर से नए ग्रो बैग में इसको ग्रो कर लूँगा। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है रूट प्रूनिंग की, अभी रिसेंटली ही फ्रेंड्स मैंने अपलोड की थी और वो प्लांट ये है। इसको फ्रेंड्स मैंने रूट प्रूनिंग की थी और रूट प्रूनिंग करने के बाद अभी प्लांट धीरे धीरे करके अपनी सारी न्यू शूट्स निकालना इसने स्टार्ट कर लिया है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इसकी न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी प्लांट धीरे धीरे अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा, यानी कि ये जो काम है फ्रेंड्स रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग का, गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले पहले आप कर लीजिए, क्योंकि ये सीज़न में प्लांट अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं ले जाता, क्योंकि प्लांट को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती। तो ऐसी कंडीशंस में प्लांट अपने आप को बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है और अपने सारे न्यू शूट्स निकालना स्टार्ट कर लेता है। साथ में फ्रेंड्स हमें फर्टिलाइज़र भी, अगर आप रूट प्रूनिंग नहीं करने वाले हो तो बाद में आप ब्रांच प्रूनिंग करके प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र अप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिए। फर्टिलाइज़र में फ्रेंड्स नाइट्रोजन बेस्ड, फॉस्फोरस बेस्ड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये तीन फर्टिलाइज़र हमें डालना स्टार्ट करने हैं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारा प्लांट, ये प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स मैंने ब्रांच प्रूनिंग की है। ब्रांच प्रूनिंग करने के बाद इसके ऊपर सारे लीव्स जो निकले हैं बहुत ही अच्छी शाइनी कंडीशन में है, ग्रीन है। क्योंकि फ्रेंड्स हमें जब भी हम अपने प्लांट की ब्रांच प्रूनिंग करते हैं तब हमें फ्रेंड्स एप्सम सॉल्ट, बाद में सुपर फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करना है। नाइट्रोजन की वजह से फ्रेंड्स आपके जो प्लांट के लीव्स के कलर्स होंगे वो बहुत ही ग्रीन निकल के आएंगे, प्लांट न्यू शूट्स निकालेगा। और एप्सम सॉल्ट की वजह से भी फ्रेंड्स आपके प्लांट के लीव्स ग्रीन निकलेंगे, क्लोरोफिल का प्रोसेस अच्छा चलेगा। और सुपर फॉस्फेट की वजह से फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर धीरे धीरे फ्लावरिंग बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके जो प्लांट के जो रूट सिस्टम है वो भी बहुत ही जल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है। और जैसे फ्रेंड्स एक बार आपका प्लांट फ्लावरिंग्स पे आ जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स हमें सुपर फॉस्फेट डालना बंद कर लेना है, बाद में हमें सिर्फ नाइट्रोजन और पोटेशियम बेस एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये तीन फर्टिलाइज़र हमें अप्लाई करना स्टार्ट कर लेना है। ये सारा प्रोसेस फ्रेंड्स मैं आपको आगे समझाऊंगा, अलग से हाइबिस्कस की वीडियो बनाऊंगा और आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि किस हिसाब से हमें ये प्लांट को फर्टिलाइज करना है ये आने वाले समर्स में। तो ये तो हमारे हाइबिस्कस की बात हो गई फ्रेंड्स। और दूसरे समर प्लांट्स में आ जाएंगे हमारे प्लूमेरिया। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्लूमेरिया के ऊपर अगर आप प्रूनिंग करना चाहते हो और प्लांट की हाइट को मेंटेन करना चाहते हो तो बाद में अभी आप कर सकते हो, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने किया है। ये सारे फ्रेंड्स इसके जो भी लंबे लंबे ब्रांचेस थे वो मैंने कट कर लिए हैं। अब धीरे से फ्रेंड्स इसके अंदर से नए ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे ही जितनी मोटी ब्रांच होगी उसके अंदर से न्यू शूट्स निकलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप ये मत समझिए कि प्लांट मर चुका है। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स मे बी एक महीना भी लग सकता है, डेढ़ महीना भी लग सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके प्लांट की स्टेम के ऊपर। तो ये जो प्लांट की स्टेम है बहुत ही ज़्यादा मोटी स्टेम है, बहुत ही पुराना प्लांट है फ्रेंड्स। ये मेरा ऑलमोस्ट 8 से 9 साल पुराना प्लांट है और इसको फ्रेंड्स मैंने रेगुलरली प्रूनिंग की है। हर साल फ्रेंड्स मैं इसकी प्रूनिंग करके इसकी हाइट को मेंटेन करता हूँ और अभी ये जो प्लांट है धीरे धीरे करके अपनी ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर लेगा। तो अगर आपके पास भी कुछ ये हिसाब से प्लूमेरिया का प्लांट हो तो उसकी भी आप कटिंग कर सकते हो। और दूसरी फ्रेंड्स, उसकी कटिंग करके हमें कटिंग लगानी भी है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स मैंने इसकी कटिंग लगा दी है। तो अभी ये सीज़न में फ्रेंड्स आप कटिंग्स आराम से लगा सकते हो, जो भी प्लांट्स की आप कटिंग्स लगाना चाहते हो, जैसे कि हमारे हाइबिस्कस हुए, प्लूमेरिया हुए, कनेर हुए, जितने भी आप गर्मियों के पौधे हैं अभी उसकी आप कटिंग्स आराम से लगा सकते हो और उसके ऊपर से भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा ये फरवरी और मार्च महीने में, वो है इंसेक्ट्स और पेस्ट का। क्योंकि जैसे ही क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं वो हिसाब से फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर इंसेक्ट्स और पेस्ट का अटैक होना बहुत ही नॉर्मल होता है। इसीलिए फ्रेंड्स हमें इंसेक्टिसाइड्स और फंगीसाइड का एप्लीकेशन रेगुलरली कर लेना है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक इंसेक्ट का प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि ट्राइप्स या तो स्पाइडरमाइट्स जैसी बीमारियाँ हमारे रोजेस के ऊपर लग सकती है। तो हमें फ्रेंड्स इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लेना है। जितने भी डैमेज लीव्स वगैरह हैं वो हमारे प्लांट्स के ऊपर से हमें हटा देने हैं, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो ये सारे पेस्ट से बच सके और अच्छी खासी ग्रोथ कर सके। तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हो, केमिकल हुआ या तो ऑर्गेनिक हुआ, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर इंसेक्ट का जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हो, अगर आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ हो, तो बाद में आप इसके ऊपर केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए। इससे फ्रेंड्स आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा और आपका प्लांट बच जाएगा। अभी ये सीज़न में फ्रेंड्स आप बहुत सारे इंडोर प्लांट्स भी परचेज़ कर सकते हो। इंडोर प्लांट्स फ्रेंड्स गर्मियों की सीज़न में अपनी ग्रोथ बहुत ही अच्छी करते हैं। तो आपको नर्सरी में बहुत सारे इंडोर प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पसंद के हिसाब से आप इंडोर प्लांट लाइए।
समर सीजन में फ्रेंड्स अगर आप कलरफुल इंडोर प्लांट्स लाओगे तो बाद में आपके गार्डन का लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ख़ास करके हैंगिंग बास्केट्स या तो आप नीचे जो भी स्टैंड वगैरह पे अगर आप प्लांट्स को रखना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप कलरफुल प्लांट्स रख सकते हो, ताकि आपके जो गार्डन का लुक है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे जो मॉर्निंग ग्लोरी जैसे फ्लावरिंग वाले प्लांट है वो भी बहुत ही अच्छे अभी ये सीज़न में चलेंगे, तो इनको भी फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स आप देते रहिए। लेकिन जनरली जब समर्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है तब हमारे ये जो प्लांट है वो धीरे धीरे फ्लावरिंग्स कम कर लेंगे, तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें फर्टिलाइज़र तभी देना है जब हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हो। जब बहुत ही तेज़ समर्स होती हो फ्रेंड्स, जब हमारे प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग्स नहीं आ रहे हो, तब प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स हमें प्लांट्स को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है और हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे ग्रो होते जाएंगे। ये जो हमारा अलमंडा का प्लांट है फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी फ्रेंड्स मैंने कटिंग की है और प्लांट को मैंने ऊपर और चढ़ाया। वैसे प्लांट की हाइट पहले छोटी थी, अभी ये प्लांट पहले वैसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो कटिंग करी है फॉर फ्रेंड्स मैंने, इसके ऊपर भी कटिंग की है, तो इसके ऊपर भी धीरे धीरे करके न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और ये प्लांट भी हमें फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर लेगा। फ्रेंड्स समर सीज़न में ग्रो होने वाले दूसरे भी आप बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स ला सकते हो, और उनमें से फ्रेंड्स बहुत ही इजी गोइंग प्लांट है वो है बोगनवेलिया का प्लांट। बहुत ही सुंदर लुक देता है और इसमें भी फ्रेंड्स आपको बहुत सारी वेराइटीज़ नर्सरी में देखने को मिल जाएगी, और ये प्लांट भी आपको बहुत ही सुंदर लुक देगा ये समर सीज़न में। तो जैसे ही फ्रेंड्स आपको लगता है कि ये प्लांट अभी समर सीज़न में हमारे यहाँ अच्छे होंगे, फ्लावरिंग्स अच्छे होंगे, तो वो प्लांट आप ज़रूर परचेज कर लीजिए, उसको अवॉइड मत करिए। और जो भी सीजनल प्लांट है जैसे कि जो भी विंटर प्लांट्स है उसको अभी आप अवॉइड कीजिए, वो सारे विंटर प्लांट्स को अभी ज़्यादा परचेज मत कीजिए, क्योंकि वो प्लांट मैक्सिमम आपको 1 से 2 महीने तक ही उसकी लाइफ होगी, बाद में उसको आप बचाने में फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, आप वेजिटेबल गार्डनिंग भी कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स वेजिटेबल गार्डन में आप बहुत सारे न्यू जो समर वेजिटेबल प्लांट्स हैं फ्रेंड्स उसके सीड्स अभी आप लगा सकते हो। आप समर सीज़न के जितने भी प्लांट्स हैं उसके सीड्स आप लगा सकते हो, जैसे कि सनफ्लावर, बाद में जीनिया वगैरह, बहुत सारे ऐसे समर प्लांट्स हैं जिसके सीड्स अभी ये फेब्रुअरी महीने में आप लगा सकते हो। बाद में आप फेब्रुअरी महीने में कटिंग्स भी लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स अभी आप फेब्रुअरी महीने में कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको आगे चल के यानी कि मार्च अप्रैल महीने में रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। जब मई जून में जब गर्मियां बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी तब हमारे प्लांट्स थोड़े से स्ट्रेस में होंगे, लेकिन जैसे ही जुलाई महीने में जो बारिशें स्टार्ट होगी उसके बाद फिर से आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो हमें मार्च अप्रैल महीने में करनी है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।